गाइस आगे बोलो। हेलो गाइस, वेलकम माय नर्सरी बैक। देन किया जीके मच्छी मारी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। आखिरकार कुकू ने भी ये वर्ड सीख लिया है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, बस सोई हुई पड़ी थी तो मैंने कहा चलो कुछ नया हो जाए, आप लोगों से बातें हो जाए, पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करती हूँ मैं। तो कुकु बहुत खुश है, ऐसा ही लुक रखना है अपना, तो इसलिए कुकु किंतल, हेलो बेबी, What are you doing now? क्या कर रही हैं आप? खिड़की तोड़ रही हो? अम्मा मारेंगी तो? हाँ? तो आप सब लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात, देखिए मेरे बेबी हेयर सारे, लेकिन गाइज आपको एक बात बताऊं, जो ये ऑयल है अभी बाल झड़ना नहीं रुका है इससे, तो अभी मैं ऐसा कोई रिव्यू नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊंगी और कोई पेमेंट वेमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बाल मेरे, देखिए बेबी जो हेयर्स बोलते हैं उनको, थोड़े ये आ रहे हैं। तो जब मैं चाहती हूँ बहुत मेरे बाल घने हो जाएं कि पहले जैसे, क्योंकि मांग है ना मेरे बहुत छोटी सी निकलती थी, लेकिन अब थोड़ा बड़ी सी निकलती है। तो और गाइस आज कुकिंग में, सुबह तो हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, अब शाम में वही रिपीटेड दाल चावल बनेगा। दाल वही मैंने आप लोगों को जिसके साथ शेयर किया था, तोरई वाली, हाँ तोरई वाली दाल बनाऊंगी। और अब रिसेंटली कुछ प्लान बन रहा है, मैं जा रही हूँ लखनऊ, और लखनऊ के बाद फिर मुझे जयपुर जाना है। क्या मुझे भी लेके चलो? आप चलोगी? हाँ। कैसे चलोगी? मुझे तुम्हें मुझे जाना है, मुझे चीजें चाहिए। गर्मी पड़ रही है ना बेटे? चल रही हो मौसी के साथ? मुझे भी मौसी के साथ जाना है। क्यों? जाने जाने है। ओके हाँ, मौसी के साथ जानी है। तो ऐसे ही हम खाने पीने की ब्लॉगिंग कर लेते हैं, नॉर्मल सी ब्लॉगिंग होती है हमारी गाइस। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को हमारी ब्लॉगिंग कैसी लगती है, और मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊँ। लेकिन कई लोग हैं कि बार बार मुझे गर्दिश में डालना चाहते हैं, पर मैं ऐसे लोगों की एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकालती हूँ। मैं ऐसे लोगों को ध्यान में मद्देनज़र नहीं रखती, क्योंकि दे आर नॉट माई रिलेटिव, उनको मैं जानती तक नहीं हूँ। वो दूसरों के कहने पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं बुरी हूँ कि अच्छी हूँ, तो इन चीज़ों को मैं नहीं देखती। और रही बात, मुझे कुछ कल मालूम चला था, कल के ब्लॉग में जो मैंने डाला था टाइटल, वैसा ही कुछ हो रहा है। कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी वजह से हमारी फैमिली में ऐसा हो रहा है, उनकी कही अनुसार, मतलब एक ही चाल लगा के वो लोग बताते हैं सोशल मीडिया पे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, ये तक बातें बताई जाती हैं। और ये और कोई नहीं है, मेरे ही रिश्तेदार हैं, मतलब प्रदीप जी के रिश्तेदार नहीं हैं, वो मेरे रिश्तेदार मेरे ननिहाल से हैं, मेरे ददिहाल से हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरा और प्रदीप जी की हम लोगों की एक ही वो थी, मतलब आसपास की हैं, भरतपुर आगरा में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो रिलेटिव भी मैच हो जाते हैं हमारे कभी कभी। अलग जो कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड की जो दादी माँ थी वो चाहर थी, तो मैं चाहर हूँ, तो ऐसे करके हमारे रिलेटिव्स भी सेम ही हैं। कई रिलेटिव्स ने मना भी किया था कि शादी मत करें, मतलब हमारी साइड से भी उनकी साइड से भी, लेकिन मुझे और प्रदीप जी को, हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि हमने किसी की नहीं सुनी, और हमने शादी की, और अभी भी हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम एक होकर रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वो रिश्तेदार अपने कानों में ये बात खोल कर डाल लें। और रही बात, अगर किसी की वजह से मेरा ये सोशल मीडिया पे नाम ख़राब करने की कोशिश की गई,
या बार 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 एक ही नाम से मुझे ट्रोल किया गया, तो उस सब का जिम्मेदार वही इंसान होगा जिसकी वजह से ट्रोलिंग हो रही है, वो भी सुन ले। उनके खिलाफ भी कई चीज़ें हैं मेरे पास। और रही बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंपैथी लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है ना। तो एक आप ही कल्पित तो नहीं कहेंगे ऐसे लोगों को कि आप ही मतलब बुरा हो रहा है, आप ही नहीं हो, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ। मैं तो इवन टिल आज की डेट तक अकेले बच्चे को पाल रही हूँ, अकेले हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रही हूँ, अकेले मतलब सारे काम कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ का बार 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 रोना ऑडियंस के सामने सही नहीं है। ऑडियंस के सामने कुछ शिक्षाएं रखी जाएं जिससे वो हमसे देख के सीखें, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपने दिल में बसाया है तो कोई अच्छाई देख के ही बसाया होगा अपने दिल में। और आप मेरी ऑडियंस से यही कहना है, प्लीज़ गाइस हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और हमेशा अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट होता है, आपका जो प्यार होता है, इंसान की सोच को ही बदल देता है। उसका चैनल जा किसी तरफ रहा होता है लेकिन आ किसी अच्छाई की तरफ जाता है। तो यही सब मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ मुझे बताने में डर नहीं लगता और हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी जर्नी मैंने तय की है, आप जो मेरे अपने हैं, यहाँ से बहुत सारे रिलेशंस भी मुझे मिले, भाई का रिलेशन मिला, एक सिस्टर का रिलेशन मिला, फ्रेंड्स मिले, तो मैं तो ये नहीं कहूँगी टोटली सोशल मीडिया गलत है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया से ज़्यादा हमें अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे मतलब रात में हम लोग लाइव आते हैं तो बच्चा परेशान रहता है, मेरे को जब तक अच्छा लगता है जब तक कुकू इंजॉय करती है, जैसे ही कुकू की ज़िद स्टार्ट होती है, उसका रोना स्टार्ट होता है, मैं लाइव को बंद कर देती हूँ। अभी 3 दिन से मैं लाइव इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि कुकू एग्री नहीं करती और मुझे लगता है ये ज़्यादा मस्ती मारेगी, ये कहीं बेड पे से गिर ना जाए, इसके हाथ पैर में ना लग जाए, इसलिए मैं लाइव भी कम ही आती हूँ। और आप लोग बताइएगा ब्लॉगिंग में और मैं क्या क्या स्टार्ट करूँ। और आप पूछते हैं प्रदीप जी को मैं कब लेके आऊँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि वो कभी मानेंगे नहीं यहाँ सोशल मीडिया पे आने के लिए, लेकिन कई लोगों के मुंह बंद करने जो कि ये कहते हैं कि इनका कभी पैचअप नहीं हो सकता, ये कहने वाली बातें हैं, ये सब कुछ है, तो एक बार तो मैं दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। अब वो एक बार मैं कौन से ओकेशन पे दिखाती हूँ वो भगवान जी जानते होंगे कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैं लखनऊ क्यों जा रही हूँ मैं आप लोगों को बता दूँगी, क्योंकि मैंने आप याद कीजिएगा कुछ टाइम पहले कहा था कि मुझे अब कुछ आगे भी अपने आप को अपग्रेड करना है, तो अब यूजी से पीजी का रास्ता तय करना है, तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए जा रही हूँ मैं। आप लोगों की दुआ से बताऊँ तो अच्छा परसेंटेज हासिल कर लिया है और अभी इस चीज़ को थोड़ा पब्लिकली नहीं कर रही मैं, पर करूँगी मैं आगे चल के पब्लिकली। और सिंगल मॉम्स को ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक डियर, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, जैसे हमारी नैना जी हुई और भी काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, जैसे लिटिल हार्ट क्यूट थिंग्स करके है एक चैनल, ये सिंगल मदर्स हैं, इनको ऑलवेज मेरी तरफ से कीप इट अप है, हमेशा दुआएं हैं कि ये अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर गुजरें और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। सो लव यू गाइस, आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। और अभी मैं लखनऊ में जाऊंगी तो वहाँ के टेस्ट से और वहाँ से कुछ कुकू के लिए कपड़े खरीदूंगी, वो सारी ब्लॉगिंग आएंगी आप लोगों के सामने जल्द से जल्द। इसको तो भाई हाँ मेरा लकी भैया आ रहा है, मैं तो देखूंगी इसको, वो पहना दे क्या मतलब, इसको प्यारे पास में परमात्मा सुन लेगा, गुरु ने दिया इसको भैया, पूरे हिंदुस्तानी इसका भैया है, एक को छोड़ के, क्योंकि शादी तो मैं हिंदुस्तानी और फौजी से ही करूंगी कुकू की
तो बस गाइस बताइएगा। और देखो चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है। आप लोग हमेशा वो बेसन में नींबू डाल के उसका पैक बना के लगाइए, क्योंकि आजकल टैनिंग बहुत हो रही है और स्पेशली स्कूटी वालों के लिए। और हाँ, एक और नया सरप्राइज। क्यों तो दोगी है बेबी? हाँ, अच्छा आपने मेरे टीथ चेक नहीं करे थे, क्या हो रहा है मेरे टूथ में? दिखाओ आगरा। और आपकी चोटी किसने बनाई? आज तो चार चोटी से दो चोटी हो गई है आपकी। हाँ? ओके। आपको चोटी बनानी पसंद आ रही है क्या? बाल बढ़ा रही हो क्या आप? हैं? बाल बढ़ा रही हो? देखो जा रही है बब्बू, टाटा कर रहे हो। चलो गाइस अब मैं चलती हूँ। आज की लाइव यहीं तक। बाय ऑल ऑफ यू। और जो लोग नए हों मेरे चैनल पे, प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।